अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सीरीज है और आप मेरे चैनल लिक्विड टेक देख रहे हैं। मैं अपने लिक्विड टेक चैनल तो आऊँ दोस्तों खुश आमदी कहता हूँ। जिन लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों को मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे लाल सा बटन होगा उस पर क्लिक करें, साथ ही बेल के आइकन को क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो फ्रेंड्स ये करना बिल्कुल फ्री है और प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देख लिया करें और उसके बाद लाइक किया करें। और कुछ लोग ये करते हैं कि पीटीए के टैक्सेस के बारे में सुन के मेरी वीडियो को लाइक जो है ना डिसलाइक करके चले जाते हैं। भाई मेरी बात सुने कि डिसलाइक करने का क्या मतलब हुआ? डिसलाइक करने का मतलब तो ये हुआ कि आप मुझ पे गुस्सा निकाल रहे हो, आप डिसलाइक मुझे ना करो, आप पीटीए के टैक्सेस को डिसलाइक कर दो। मैं तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन, आपके लिए जो आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे भी वो क्या कहते हैं मुझे भी मेरे वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही लाइक और कमेंट्स शेयर कर दें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है जितना हो सकता है, मैं बिल्कुल फ्री, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी मैं आपसे पे नहीं ले रहा, मतलब कोई भी आपसे चीज़ पैसे नहीं ले रहा कि मैं आपको जी टैक्स पता करके देता हूँ आपको क्या कहते हैं कि इसके जो पीटीए के मैं ये देखें एक पेज यहाँ पर, जैसे कि मैं वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन डाल के अपनी पर्सनली इन्फॉर्मेशन डाल के तो आपको पीटीए के टैक्स पता करके देता हूँ कि कितना ओरिजिनल टैक्स बनता है। तो वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है, वो उसमें क्या कहते हैं आपका फ़ायदा है, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल के आइकन क्लिक कर लीजिए। ये तमाम ऐसी जो बातें हैं वो आपको किसी और चैनल पे नहीं बताएंगे वो, क्योंकि वो स्टैंडर्ड की बातें बताएंगे अच्छे क्वालिटी के लिए क्या क्या बताएंगे आपको, लेकिन नथिंग, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। तो इसमें यह है कि आप बात पूरी सुन लिए और उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मैंने व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं अबाउट में। तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल है, तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। अगर आप जो भी कहेंगे मैं आप मुझसे जितनी हेल्प हो सकी बिल्कुल वो मैं आपकी करूँगा, जितनी भी मुझसे हो सकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा नंबर भी है, ईमेल भी है, तमाम चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि मेरे चैनल पर आपको टेक वीडियोज़, मोबाइल रिव्यूज़, मोबाइल स्पेसिफिकेशन प्राइसेस और यहाँ पर टेक वीडियोज़, यहाँ पर मोबाइल प्राइसेस और पीटीए टैक्सेस और यहाँ पर जो है आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, लाइकर्स, लकी पैचर, वो काइंड मास्टर का काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। जो आप किसी चैनल पे आपको चीज़ नहीं मिल रही वो डायरेक्ट आप मुझे रब्ता कर लें, मैसेज कर लें, मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। अगर ना भी हो सके तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इसका ये हल है, बिल्कुल मैं बिल्कुल फ्री हूँ आपके लिए, आप बताएं मैं आपका हल निकाल दूँगा। तो चलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट करने से पहले आप बता दूँ पीटी टैक्स क्या और कैसे लग रहे हैं, जो आईफोन 11 प्रो मैक्स पे लग रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं और कितने लग रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको पीटीए टैक्स कस्टम ड्यूटी आईफोन 11 प्रो मैक्स इन पाकिस्तान 2019, तो मैं नीचे कह लेता हूँ आपको इसका टैक्स दिखा देता हूँ। इसका टैक्स आपको बता रहा है पेवल जो होगा 40 से 45 हज़ार है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ 40 से 45 हज़ार में ये क्या कवर होगा। 40 से 45 हज़ार में कवर ये होगा कि आपका 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB, समझ आ गई। ये तमाम अलग अलग फ़ोन होते हैं, मतलब इनकी मेमोरी स्टोरेज होती हैं वो किसी का 41 हज़ार बनेगा, 42, 43, 44, 45 हज़ार, ठीक है। इसके अंदर अंदर ये कवर हो जाएगा आपका। अगर आपको ये पे करना है टैक्स लीगली तो आपको करना क्या होगा कि आप जो है अपना अकाउंट बनाएं पीटीए पे, वहाँ पर जाके आप लॉगिन कर लें, वहाँ पर आप अपना टैक्स चेक करें, वहाँ पर एक आपको ऐसी बनेगा पेज मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लें। आपको ये मैं जूम कर दिखाने था ये किसी का पेज है, इसमें पर्सन उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो अगर आपको ये नहीं निकालना था, आपको वहाँ पर नहीं जाना, तो आपने करना क्या है, व्हाट्सअप मेरे पे जाके वहाँ पर आपने अपना नाम, अपना नंबर, अपना ईमेल और आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो सेंड कर लेना और बता देना कि हम इसे अप्रूव करवाना चाहते हैं, तो मैं आपको ये पेज पीडीएफ फाइल में सेंड कर दूंगा। तो आपने किसी भी बैंक जाके पे कर लेना। अगर आपको ये भी आप नहीं कर सकते तो आपने करना क्या है, सिंपली आपने मेरे बैंक अकाउंट जो मैं आपको व्हाट्सएप पे जो भी बात हुई तो मैं आपको दे दूंगा, आप डिपॉजिट करवा दीजिएगा और मैं आपको उसका टैक्स पे करके और जो भी 48 घंटे के अंदर ऑपरेटिंग हो वो भी दे दूंगा। तो अगर कुछ लोग ये कहेंगे ये फेक है और पैसे आगे पीछे जो तक, जाहिर बात है मैं भी ऐसा नहीं करता, लेकिन वैसे बता रहा हूँ कुछ होते हैं लोग जो जिनको टाइम नहीं होता तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और बता देता हूँ कि आपको ये जो है करना कैसे है। पीटीए में यहाँ पर आपने एक वेबसाइट खोलनी है, तो यहाँ पर ऐसे खोल लेनी है, तो मैं ऐसे खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर ये देखें, ये क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने कर लेना है अपना आईएमई नंबर जो है सर्च कर लेना है। अगर आपका प्रूफ नहीं है तो आपने
मुझसे कांटेक्ट कर लेना है, मैं जो भी आप तमाम चीज़ इस वीडियो में बताई हैं तो आपका वैसे करके हल निकाल दूंगा। उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तब तक इजाज़त चाहता हूँ जब तक एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर नहीं होता। माय फ्रेंड्स, गुड बाय।